हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या मेरा बात किशन दानचरण जी से हो रही? बिल्कुल सर, मैं किशन दान चारणी बोल रहा हूँ। ओके। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपने पहला अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। जी, मैं डीके गुरु ट्यूटोरियल से दीपक कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, सर, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो आने वाले टाइम में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, उसको कुछ हेल्प हाँ मिल जी सके। सर, इसीलिए बिल्कुल सर। मैं आपसे एक इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ कि आखिरकार आपने कैसे प्रिपरेशन किया इन सारी चीजों को लेकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल लीजिए। ओके। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना जरा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से पढ़े हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कैसे आपने तैयारी किया, इसका एक ओवरव्यू आप बताएं सर। जी सर, मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर में बीए की थी और एमए की थी बीकानेर से, अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से बीकानेर सर? गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से। ओके ओके ओके। और और इस अभी वक्त आप क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं टीचर लगा हूँ सर, राजस्थान में। हाँ अच्छा सर, सर जी, ऐसा है कि एक बात आप बताइए कि एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए क्या आपने किसी कोचिंग को चुना था, किसी कोच कहीं से कोचिंग लिया था या खुद से प्रिपरेशन करी थी? नहीं सर, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की और यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखता था। अच्छा, यूट्यूब का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही। हाँ जी, हेल्पफुल रहा था वो। ओके। अच्छा, एक बात बताइए कि हाँ आपकी जी सर, सब्जेक्ट तो हिंदी है। हाँ जी सर, अच्छा, तो आपने पेपर वन और पेपर टू के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट के कौन कौन सा राइटर को प्रेफर किया था सर? सर जी पेपर फर्स्ट के लिए अरिहंत की गाइड आती है वो, ठीक। और एक केडीएस की आती है। हाँ ओके, पेपर वन के लिए जी सर, एक अरिहंत की और एक केडीएस की। हाँ जी सर, दो। और ये यूट्यूब पे तो देखता ही था, मैंने बोला कि हेल्प बहुत ज्यादा मिली इनसे। अच्छा। और पेपर सेकंड जो मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, जी डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, प्रतियोगिता जी साहित्य, जी और पुराने जो पेपर आए हुए ना सर, जितने भी नेट जेआरएफ के, जी सबसे ज्यादा हेल्प मिली तो उन्हीं से मिली थी। आपके अनुसार सबसे ज्यादा अधिक हेल्पफुल एग्जाम के लिए रहा कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपने काफी करी? बिल्कुल सर, प्रीवियस ईयर का पेपर था वो सबसे ज्यादा मैंने मिलाया था। सर, एक बात और बताइए। देखिए, हाँ क्या जी होता सर, है ना कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको बहुत सारे यूट्यूबर मिस गाइड करते हैं ये बोल के कि आप ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। आपने चूंकि जेआरएफ निकाला है इस सब्जेक्ट से, तो आपको अच्छी हाँ जी पकड़ सर, होगी अपने सब्जेक्ट पे। तो मुझे बताइए कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा पेपर टू के लिए बुक रहेगा? सर मेरे हिसाब से तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास और प्रतियोगिता साहित्य सबसे अच्छी किताब है। ओके, तो चलिए। और सरस्वत पांडे सर की जो किताब आती है हिंदी साहित्य के इतिहास, वो भी अच्छी गाइड है। हाँ ओके, चलिए। आप जी सर, सर एक बात और बताइए कि पेपर वन के लिए आपने कहा कि अरिहंत की गाइड हमने खरीदी थी और केडीएस की एक बुक खरीदी थी, इसके अलावे भी और आपने क्या किया था पेपर वन के लिए सर? सर जयपुर से ये किताब ली थी अरिहंत और केडीएस वाली, और इसके अलावा यूट्यूब पे जो आपके चैनल के वीडियो हैं वो देखे थे सर ज्यादातर। ओके। अच्छा सर, साथ ही साथ आप ये बताइए कि आप दिन में कितना घंटा तक, कितने दिनों तक सर आपने पढ़ाई करी थी? सर वैसे स्कूल जाना था तो जॉब के साथ साथ टाइम तो बहुत ही कम मिल रहा था, जी, क्यों 25-30 किलोमीटर दूर है मेरी स्कूल, और चलिए, आपने बहुत मेहनत किया, उस मेहनत का फल भी आपको मिला है। तो डेली लगभग 5-6 घंटे तैयारी करने में मिल जाते थे। सर ओके ओके। कितने दिनों से ये आप प्रिपरेशन शुरू किया था सर? 2 महीने लगभग। 2 महीने। हाँ चलिए, जी बहुत अच्छा सर। एक और क्वेश्चन सारे स्टूडेंट का रहता है कि हाँ जी सर, पेपर वन में और क्या करना पड़ता है सर उसके अलावे, कि चलिए बुक तो हमने पढ़ लिया या फिर बहुत हाँ जी सारे सर, करने के बाद भी पेपर वन में स्कोर नहीं हो पाता है सर, हाँ जी सर, पेपर वन में स्कोर करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए स्टूडेंट को कि पेपर वन में अच्छा स्कोर कर पाए? पेपर वन में सर जैसे इस बार अपना रिसर्च एप्टीट्यूट है, टीचिंग एप्टीट्यूट है, रीजनिंग है, ये ज्यादा क्वेश्चन पड़े थे, तो अच्छा आगे के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इन्हीं टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पड़ते हैं। अच्छा
और ऐसा एक भी टॉपिक मत छोड़ो जिसमें से ये छोड़ो मत कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से सब टॉपिक पढ़ो आप बराबर। चलिए, आपका कहना है कि 100 यूनिट पे आपको बिल्कुल बराबर बराबर ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कि कुछ यूनिट को हम स्किप कर दें। बिल्कुल सर, और प्रैक्टिस करते रहो, मॉडल पेपर मिलाते रहो। अच्छा, प्रैक्टिस कितने दिन से आपने मॉडल पेपर लेना शुरू किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। सर मैंने तो लगभग एग्जाम से 20 दिन पहले मिलाना स्टार्ट कर दिया था मॉडल पेपर से। हाँ जी, और जो अपनी कमजोरी लगती है मॉडल पेपर में उस टॉपिक को फिर से उठा के अच्छे तरीके से पढ़ा था। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था ना? पहला ही था सर, 18 में हुई मेरी एमए। चलिए, बहुत बहुत आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, उसका फल भी आपको मिला है। सर एक अंतिम क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए मुझे कि जो व्यूअर्स हैं जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे सर? सर उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पे एक तो वो लक पे डिपेंड नहीं करे। ओके, जो अपनी सफलता मिलती है वो अपनी मेहनत से ही मिलती है। ओके, और जो अच्छी अच्छी बुक है उनको पढ़े, मिसगाइड नहीं हो। कोई बता देते भाई मैंने जेआरएफ क्लियर किया आप वो पढ़ लो, नहीं, आप खुद देख के सोच के फिर तैयार करो अपना मटेरियल। ओके, और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है सर। अच्छा, प्रैक्टिस सेट, और वो आपने प्रैक्टिस सेट कहाँ से लिया था सर, जरा ये भी बता दें आप। जी सर, वो भी जयपुर से मंगवाए थे मैंने, मेरे साथ में लगे हुए उनके साथ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मैं आपका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, आप आगे और बढ़ें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा, आपने जिस तरीके से गाइड किया। धन्यवाद जी। चलिए, ओके ओके ओके, धन्यवाद। ओके सर।